दूध का सार है मलाई में और जिंदगी का सार है भलाई में। इसलिए जब भी मौका मिले भलाई करने से मत चूकिएगा। वैसे इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इंसानों को तो छोड़िए जानवरों तक की मदद के लिए हद पार कर जाते हैं। Humanity is still alive part 1 के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही नेक दिल इंसानों से मिलाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप कह देंगे कि वाकई इंसानियत अभी भी जिंदा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए व्यूवर्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जयपुर के ट्रैफिक पुलिस के जवान की ये नेक दिली आपका दिल ही जीत लेगी। यहाँ एक कबूतर बिजली के तारों पर लटके मांझे में फंसकर उल्टा लटक गया था। तेज गर्मी में दर्द के मारे ये कबूतर बुरी तरह से छटपटा रहा है। तब ये जवान ने पहले तो एक बस रुकवाई, फिर उसकी छत पर चढ़कर तड़प रहे इस पंछी को वहां से निकाला। इसके बाद वो कबूतर को नीचे खड़े एक शख्स को दे देता है जो उसके पंजों में फंसे मांझे को निकालकर उसे आजाद कर देता है। ट्रैफिक पुलिस और इस बंदे की इंसानियत पर एक लाइक तो बनता है यार। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस गिलहरी का मुंह प्लास्टिक के एक ढक्कन में फंसा हुआ है जिसके चलते वो छटपटाती दिख रही है। तभी एक भले मानुष की नजर उस पर पड़ती है। इसके बाद जो हुआ वो आपका दिल जीत लेगा। इंसानियत का ये एक और वीडियो तेलंगाना का है जिसमें ये होमगार्ड तेज पानी के बहाव में फंसे इस कुत्ते को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कुत्ता इतना घबराया हुआ था कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं बहते पानी में अपनी जान की परवाह किए बगैर बड़ी मुश्किल से जेसीबी को पकड़े ये होमगार्ड कुत्ते की जान बचाने मानो कसम ही खा चुका था। काफी देर की मशक्कत के बाद इसने जैसे तैसे कुत्ते को वहां से बाहर निकाल ही लिया और जेसीबी के बकेट में बिठाकर उसे बाहर निकालने में कामयाब हो गया। इस जवान की दरिया दिली को दिल से सलाम। इसी तरह कुछ साल पहले एक बाढ़ के दौरान जब मैक्सिकन बचाव कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे तो बाढ़ में फंसे लोगों की तलाश करते हुए एक कुत्ता मिला जो लंबे समय से एक रेलिंग को पकड़कर खड़ा था। इस कुत्ते को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता था कि ये बुरी तरह से डरा हुआ था। जैसे ही इन बचाव कर्मियों की नजर इस कुत्ते पर पड़ी उन्होंने पहले तो उसे सहलाया ताकि उसका डर खत्म हो जाए, फिर उसे नाव में बिठाकर महफूज जगह पहुंचा दिया। इसी तरह का हादसा इस उल्लू के साथ भी हुआ जिसके पंख धागे में बुरी तरह फंसे हुए थे। तब भगवान ने इस बंदे को मसीहा बनाकर इस उल्लू की मदद करने के लिए भेज दिया। इसने सबसे पहले तो उल्लू को केयरफुली वहां से निकाला, फिर उसके पंखों का इलाज किया और आखिर में उसे किनारे पड़े एक पत्थर पर बिठा दिया। वाकई इस बंदे ने तो दिल ही जीत लिया। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आपकी आंखें ही भर आएंगी। ये बंदा प्लास्टिक के कचरे में उलझे इस बंदर का रेस्क्यू कर रहा है। वो इसे प्यार से सहलाते हुए बहुत ही सावधानी के साथ धागे को काट रहा है। इस दौरान बंदर के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उसे थैंक यू कह रहा हो। आखिर में ये इंसान इस बंदर को एक आम भी देता है जिसे देखते ही भूखा बंदर उसे लपक कर खाने लगता है। ऐसे नेक दिल इंसानों के कारण ही इंसानियत इस दुनिया में अब भी जिंदा है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1000 लाइक्स तो जरूर मिले। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इस बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। जापान के एक शहर के इस रिहायशी इलाके में ये लोग इस भालू का सिर डिब्बे से निकालने की कोशिशों में जुटे हैं। दरअसल खाने की तलाश में इस भालू का सिर इस डिब्बे में फंस जाता है जिसके बाद लाख कोशिशों के बाद भी ये अपना सिर इस डब्बे से निकालने में कामयाब नहीं हो पाता। कुछ लोगों ने जब भालू की ऐसी हालत देखी तो अपनी जान की परवाह किए बगैर इसकी मदद करने लगे। आखिरकार इंसानियत की जीत हुई और भालू का सिर इस डिब्बे से बाहर निकल गया।
प्रचंड गर्मी में ये चिड़िया प्यास से तड़प कर बेहोशी हो गई। तब ये आदमी उसके लिए फरिश्ता बनकर आया। इसके कुछ ही सेकंड बाद ये चिड़िया उठ खड़ी होती है। इस तरह बंदे की इंसानियत के चलते इस चिड़िया को जीवन दान मिल गया। ये आदमी जिस जानवर को सड़क से उठाकर दूसरी तरफ छोड़ने जा रहा है उसे सबसे आलसी जानवर कहा जाता है। दरअसल ये स्लॉथ गलती से इस सड़क पर आ गया था लेकिन वापस लौट नहीं पा रहा था। ऐसे में इस बंदे ने उसे सड़क से उठाकर पेड़ पर चढ़ा दिया, जिसके बाद ये स्लॉथ उसे पलटकर ऐसे देखता है मानो थैंक्स बोल रहा हो। यहाँ ये हथिनी कीचड़ में इस कदर फंस चुकी थी कि उसका हिलना भी मुश्किल हो रहा था। हथिनी की ये हालत जिसने भी देखी वो रो पड़ा, जिसके बाद एक रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है और दलदल में फंसी हथिनी को बाहर निकालने में जुट जाती है। इसी दौरान टीम के लोग भी कीचड़ में सन जाते हैं लेकिन वो अपनी कोशिशों को जारी रखते हैं। आखिरकार उनकी कोशिश रंग लाती है और वे कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद वहां मौजूद लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। इसी तरह यह कछुआ भी प्लास्टिक के कचरे का शिकार हो गया। इसके गले में प्लास्टिक का यह गोल टुकड़ा फंसा हुआ था। वो तो भला हो इस लड़की का जिसने इंसानियत का धर्म निभाते हुए इस प्लास्टिक को काट कर कछुए को इस फंदे से आजाद कर दिया। रेगिस्तान की तपती गर्मी में एक राहगीर ने इस ऊंट को निढाल होकर तड़पते देखा। प्यास से तड़प रहा ये ऊंट इतना कमजोर महसूस कर रहा था कि उठ भी नहीं पा रहा था। इस मुसाफिर ने जब ये माजरा देखा तो उसे ऊंट पर दया आ गई, जिसके बाद वो ऊंट को अपनी बोतल से पानी पिलाने लगा। जैसे जैसे ऊंट के गले में पानी पहुंचता है ऊंट को बहुत तसल्ली महसूस होती है। वाह बंदे, तुम ही हो असली हीरो। दोस्तों, आपके लिए एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें कमेंट करके अपनी बेशकीमती राय जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह इस भले मानुष ने रेकून के इस नवजात बच्चे को सड़क से उठाकर पेड़ पर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस आदमी को देखकर इसकी माँ इतनी घबरा गई कि पास आने से भी डर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे भरोसा हो गया कि वो एक नेक दिल इंसान है तो उसने अपने बच्चे को लेकर सीने से लगा लिया। तमिलनाडु का ये वीडियो देखने के बाद तो आपका इंसानियत पर भरोसा और बढ़ जाएगा। 8 महीने का ये बंदर कुत्तों के हमलों के कारण बेहोश हो गया और सड़क पर दम तोड़ने ही वाला था। प्रभु नामक इस फरिश्ते ने बंदर को CPR माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देकर उसकी जान बचाई। बंदर को होश आने के बाद प्रभु से अस्पताल भी ले गया। समुद्र में इंसानों द्वारा फैलाए कचरे का नुकसान समुद्री जीवों को उठाना पड़ता है। कचरे के जाल में बुरी तरह फंसा सी लॉयन इसी की बानगी है। बेचारा कई कोशिशों के बावजूद खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा, लेकिन भला हो इस आदमी का जिसने इसे पकड़कर इसके गले में फंसे प्लास्टिक को निकालकर इसे राहत दिलाई। अब इस वीडियो में भी आप एक और रब के बंदे को देख सकते हैं जो आखिरी सांसें गिन रहे इस स्ट्रीट डॉग को CPR देकर उसकी जान बचा लेता है। ऐसे लोगों को देखकर वाकई लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी के कोड़ेगांव में बने इस कुएं से कुछ लोग इसलिए डर गए क्योंकि इसमें से किसी की आवाजें आ रही थी। इसके बाद गांव वालों ने कुएं के पास जाकर देखा तो वो दंग रह गए। इस कुएं में एक तेंदुआ गिरा हुआ था। इसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने यहां पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया, जिसके बाद ये तेंदुआ सीढ़ियों के सहारे कुएं से सुरक्षित बाहर आ गया। जंगल में घूमते हुए जिराफ की गर्दन में टायर फंस गया, जिसके बाद वो 1 साल से गर्दन पर कई किलो का भार लेकर घूमता रहा। इससे उसे तकलीफ हो रही थी। जब जंगल की रेस्क्यू टीम को इसका पता चला तो वे जंगल में पहुंचे और इस जिराफ को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसके गले से इस टायर को निकाल दिया और गर्दन के आसपास आई कई चोटों पर मरहम भी लगाया।
इसके बाद जैसे ही जिराफ होश में आया वो हैरान रह गया और खुशी के मारे जंगल की ओर भाग गया। बेजुबानों की तकलीफ समझने वालों को तहे दिल से सलाम। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।